हिमाचल में बारिश से कोहराम, ताश के पत्तों की तरह ढह गए मकान और पुल, 8 की मौत, देखे तबाही की भयानक तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है, मंडी में बारिश और फिर जगह जगह पर भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में बारिश से 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। प्रदेश में 700 से ज्यादा सड़कें बारिश के चलते बंद हैं। कई नेशनल हाईवे भी बारिश से प्रभावित हुए हैं। बाउंसर लगाकर टमाटर बेचे थे, यूपी पुलिस ने ऐसे एक्शन लिया, किसी ने सोचा ना होगा। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सब्जी की दुकान के पास बाउंसर तैनात किए थे। अब उस कार्यकर्ता सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज करा लिया है। वहीं सब्जी के दुकान के मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में देखें, दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड। भारत मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सर्वाधिक है। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कों और अंडरपास में पानी भर गया है, जिसके कारण यात्रियों को घुटने भर पानी से गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत NCR के इन शहरों में स्कूल बंद, भारी बारिश के चलते फैसला। NCR सहित उत्तर के और उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शनिवार से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे विभिन्न इलाकों में जलजमाव, अचानक बाढ़ और घर गिरने की घटनाएं सामने आई। मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश के अलर्ट के बीच कई शहरों में आज 10 जुलाई को स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। क्या मौत का एक खेल स्वीकार? स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पूछा बंगाल चुनाव हिंसा पर सवाल। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा हुई थी, कहीं लोग बैलेट लेकर भाग गए तो कहीं बम फेंके गए और बमबारी हुई, इसके बाद सियासत शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इतनी हिंसा के बाद भी क्या राहुल गांधी को मौत का यह खेल स्वीकार है। मणिपुर में रात भर चली गोलियां, एक पुलिस वाले की मौत, 10 घायल। मणिपुर के पश्चिम कांगपोक्वी इलाके में 10 जुलाई को हिंसक झड़प के चलते एक पुलिस वाले की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हो गए। झड़प 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात को हुई। आशंका है कि इस झड़प के चलते मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जवान के पहले दिन की कमाई पठान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दी। शाहरुख खान की फिल्म जवान का ट्रेलर जब से आया है सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि जवान SRK की पिछली फिल्म पठान से भी ज्यादा पैसा पीटेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि जवान पहले दिन ही 150 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर सकती है।